हेलो नमस्ते सत्या दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इसका नाम है टेक्निकल वर्ल्ड ब्लॉग। दोस्तों, क्या आपने गूगल आईडी यूज़ करी है? आप अपने फ़ोन में गूगल आईडी से यूज़ करते ही होंगे। तो बस दोस्तों, क्या आपको पता है आप गूगल आईडी को किस किस तरह से यूज़ कर सकते हो? मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने गूगल आईडी को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है आकाश और आप देख लो टेक्निकल वर्ल्ड ब्लॉग। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कुछ गूगल के ट्रिक्स, गूगल अकाउंट के ट्रिक्स जो आपने कभी यूज़ नहीं करी होंगी। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा गूगल सिस्टम की सेटिंग पर। सिस्टम की सेटिंग पर आने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको वो ढूंढना है। हो सकता है आपके उसमें अकाउंट हो, बट मेरे उसमें गूगल नाम की ऑप्शन है। आप अपने अकाउंट पर टच करना, मैं गूगल पर टच करता हूँ। ये देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। देखिए मैंने ये अकाउंट October 31, 2016 में एक्टिवेट किया था, और आप यहाँ से अपना नाम, अपना फ़ोटो, ईमेल, अपना फ़ोन नंबर, बर्थ ऑफ डेट, जेंडर, अबाउट, गूगल और ये सब कर सकते हो यहाँ से। मैं आपको एक फीचर बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैनेज योर अकाउंट एक्टिविटी में आपको सबसे पहले आना है एक्टिविटी कंट्रोल पर। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि गूगल अकाउंट अगर आपने एक्टिवेट किया हुआ अपने फ़ोन के अंदर, तो आपकी वॉइस एक्टिविटी, सर्च एक्टिविटी और आप कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर दो, ये सब रिकॉर्ड हो जाता है गूगल अकाउंट पर आपके। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो ये ऑप्शन उसी के लिए है। जैसे कि पहला ऑप्शन है यहाँ पर वेब एंड ऐप एक्टिविटी। जैसे ही आप इसको ऑफ कर दोगे, तो जो आपकी सर्च हिस्ट्री है वो क्लाउड होना बंद हो जाएगी और गूगल अकाउंट पर वो सेव नहीं होगी। और जो भी आप एप्लीकेशन खोलती हो, उसकी टाइमिंग भी, उसकी इंफॉर्मेशन भी गूगल अकाउंट पर आपके चली जाती है कि आपने कब कौन सी एप्लीकेशन खोली थी। फिलहाल मैं इसको ऑन ही रहता हूँ, लेकिन आप ऑफ करके देखना और फिर कोई एप्लीकेशन या वेब सर्च करना, तो आपकी हिस्ट्री गूगल अकाउंट पर आपकी नहीं जाएगी। वैसे यहाँ पर डिवाइस इंफॉर्मेशन, वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी, गूगल सर्च हिस्ट्री, यूट्यूब सर्च हिस्ट्री, यूट्यूब वॉच हिस्ट्री और गूगल लोकेशन हिस्ट्री भी आप ऑफ कर सकते हो। और देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है माई एक्टिविटी का। जैसे ही आप माई एक्टिविटी पर टच करते हो, और फिर आप कोई सा भी ब्राउज़र चूज़ कर लीजिए, जैसे कि मैं करता हूँ क्रोम। आप जैसे ही बस उस पर क्लिक करते हो, वैसे ही आप आ जाते हो इस पेज पर, जहाँ पर आपको आपकी सारी एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी। देखिए आज मैंने 168 आइटम्स खोले हैं, एंड्रॉयड, यूट्यूब, इमेज सर्च, इन सबको मिलाकर यहाँ पर आपको आपकी सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। और यही इंफॉर्मेशन को क्लोज करने के लिए कि यहाँ पर आपकी हिस्ट्री सेम ना हो, आपको कंट्रोल एक्टिविटी पर जाकर उसको ऑफ करना होता है। अब थर्ड ऑप्शन आता है हमारा टाइमलाइन इन गूगल मैप्स। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप आज अपने फ़ोन को कहाँ कहाँ लेकर गए थे, और आपको अपने फ़ोन की पास्ट हिस्ट्री जाननी है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कैलेंडर का। इस पर टच कीजिए और किसी भी डेट पर टच कर दीजिए, आपको बता देगा कि आप इस फ़ोन को कहाँ कहाँ लेकर गए थे उस दिन। आप यहाँ से किसी भी साल का, किसी भी महीने का देख सकते हो। ये देखिए मैंने मूविंग किया था इस फ़ोन को लेकर, ये जो भी है 7 घंटे का रास्ता। ऐसे ही आप अपने फ़ोन का लोकेशन चेक कर सकते हो किसी भी दिन, किसी भी महीने और किसी भी वक्त का।
और दोस्तों जो चौथा ऑप्शन आता है वो है गूगल डैशबोर्ड का। हम यहाँ पर सर्च करते हैं, दोस्तों आपको पता ही होगा कि आप जो अपना डाटा जीमेल पर आपको जो मेल जाते हैं, आपने मैप में जो बुकमार्क लगा कर रखे हैं, आपकी सर्च हिस्ट्री, आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन और ये सब जो कि आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर सर्च एक्टिविटी और वॉइस एक्टिविटी, ये सब अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको बस डाउनलोड योर डाटा पर टच करना है। दोस्तों इस तरह के ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, आप सर्च कर सकते हो पूरे यूट्यूब में। ये देखिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस किस की हिस्ट्री और किस किस की फाइल्स डाउनलोड करनी है, जो भी आज तक आपने गूगल क्लाउड पर यूज़ करी है, जो भी आपके गूगल अकाउंट पर क्लाउड हुई है, जो भी आपके गूगल अकाउंट पर अपलोड हुई है। आप फिर क्रिएट अचीव करते हैं, तो दोस्तों जो भी आपकी आज तक गूगल अकाउंट पर फाइल्स फोल्डर्स फोटोज़ वीडियोस अपलोड किए हैं आज तक आपने, हिस्ट्री वॉइस एक्टिविटी ऑलमोस्ट सब कुछ, वो सब एक जिप के रूप में आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके जीमेल में आपको मिलेगा आपको एक मेल आएगा, जिस मेल में आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पर जैसे ही आप टच कर दो वैसे ही आपकी जो फाइल है, जो जिप फाइल है, वो डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। बस दोस्तों इसके लिए आपको आप यहाँ पढ़ सकते हो, योर अर्चिव इज करेंटली बींग प्रपेयर, प्लीज नोट दैट अर्चिव्स मे बी टेक अ लॉन्ग टाइम आर और पॉसिबली डेज। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता चलता है कि कुछ घंटे या कुछ दिन भी ये ले सकता है। तो आप अगर चाहते हो ये सब डाउनलोड करना, डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। दोस्तों फिलहाल वापस चलते हैं अपने सिस्टम सेटिंग में, यहाँ वापस आ चुके हैं। बस दोस्तों ये थे कुछ गूगल अकाउंट्स के टिप्स एंड ट्रिक्स, मैं इसको दो पार्ट में बनाऊंगा। तो फिलहाल ये इसका पहला पार्ट था, और सेकंड पार्ट में मैं आपको और भी मज़ेदार अपने गूगल अकाउंट के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। बस दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फाइनली काम है यार, कठिन छोड़े मैंने।